पुलिस ने की रेहड़ी चालकों खिलाफ मुहिम शुरू। तीन धिया के बाप का किया पहला चलान। रेहड़ी चालक ने कहा सरकार दे देवे होर रोजगार। सरकार द्वारा जगाड़ू मोटरसाइकिल से पाबंदी लगा दी है, जिसकी जमीनी पद्धर से पुलिस वालों पालना शुरू कर दी गई है। तो पुलिस मुलाजम ने कहा कि वह दिशा निर्देशों की पालना करद एक मुहिम चला के जुगाड़ू मोटरसाइकिल समेत कानून की उलंघना करने वाले खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह सिर्फ इन्हों के चलान कट रहे हैं, जेकर अगली बार तो यह जुगाड़ रेहड़ियाँ दिखाई दतिया तो इन्हों जब्त किया जाएगा। उत्थे ही तीन धियां के बाप जिसते पहला एक्शन होया है। हरी राम ने दसिया कि वह इस रेहड़ी नाल शहर च छोटे मोटे समान की ढोआ ढोआई कर अपने परिवार का पेट भर रहा है। यही उन्होंने रोटी का इको एक साधन है, जो कि पंजाब सरकार के नवे ऐलान करके खुश सकता है। उन्होंने ये रुजगार खो के उन्होंने परिवारों को भुखे मारने लिए मजबूर कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जुगाड़ रेहड़ी नहीं बल्कि वड्डे वहीकल एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। पर दस दईए कि यह वहीकल किसी तरह का कोई एक्सीडेंट का कारण नहीं हैं। एक्सीडेंट का कारण वड्डिया बसा ट्रक ट्रैक्टर ट्राली आदि नाल एक्सीडेंट होंदे हन। उन्होंने यह भी कहा कि उन्ने दी रेहड़ी नहीं बनती जिन्ने का पुलिस वालों चलान कर दिता जाता है, पर वह ये चलान भरने तो असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेकर सरकार पहला ही कोई रुजगार सानू मुहैया करवा दिंदी तो सानू यह काम करने की लोड़ ही नहीं सी। मैं फरीदकोट का रहने वाला डुगर बस्ती का, दिहाड़ी करी माड़ी मोटी जी। मैं कह दा भाई कूलर तक की काम की करते की चलाने तुसी मोटरसाइकिल दादा के मोटरसाइकिल रेडी। अच्छा आवली आज की होया अज की होया अगे तो चली जाते 6-7 महीने हो गए मैंने लैके जाते अज इन्होंने अचानक रोक के कहें जी आज चलान कटी जी थोड़ा आ कट के मेरे हाथ बड़ा था जी। मैं क्या कहते हस्ते कहें तुम्हें इनके नाल छेड़छाड़ की यह पता की नहीं है कोई इतने कल तो अपने शहर से है कहीं कल इतने नहीं चलते पंजाब से पूरे इंडिया के चली जाते चलते हैं नहीं तुम्हें पता ही होगा पूरे इंडिया के चलते पे है। कि टाइम होगा तुम लगे मैंने हो गए 6-7 महीने हो गए लगे कि मैं 24,000 का लिया। कहना है कि कोई हादसा नहीं वापर हादसे वापरने वास्ते होर बथेरिया चीज़ा है बसा एक दूजे बच्चे वही दी जहाँ हादसे वापरने वाली चीज़ा है तूड़ी वाली ट्रालियाँ जिंद भोंग कटे होंगे 6x10 की ट्राली होंगी है तो 20x40 की बनाई होंगी उन्होंने ये बी हादसे उन्होंने वापरते इन्होंने कहते वापरते इन्हें तो बेचते चले अज तक कोई एक पैदल चलने वाला बंदा नहीं बजा इन्होंने बेचता परिवार तीन बेटिया ही एक घर वाली मेरी चलो ना वेखो हम की करते कमाई करते ही कोई 300-400 रुपया वर्त लिया और की करना चलान करता हाँ जी 2000 का चलान क्या ਅਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ DGP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਆਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਚਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੇਖ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਾੜ ਹੈਗੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਨਸੇਫ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਬੜਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਓਵਰਲੋਡ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ नहीं जी कर रहे हैं असी सारी अफसर के हुक्म सारे मीटिंग हो गई उन्होंने वार्निंग दी गई है भी जो जिन्ना लोड तुम पास है तो उन्ना की जा सकते उस बाद नहीं जा सकते इस वास्ते जागरूक करने वास्ते हाँ जी हाँ जी असी पहला 10-15 दिन पहला सैमीनार से उदू पहल असी एक लाउड स्पीकर 3-व्हीलर ला के लोगों 15 दिन की चेतावनी दी सी भी तुसी आप दे जो है
इन्हां दी भी दारू पी के गड्डी नहीं चलाउणी ते बैल्ट ला के गड्डी चलाउणी आ ते अपना ओवर स्पीड नहीं करनी गी ते एक अपना जिहड़े हैलमेट नहीं लैंदे गे उन्हां नू पहलां असीं अनाउंसमेंट नाल ही अगाह करता 15 दिन हुण उन्हां नू दुबारा उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दित्ती। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। फगवाड़ा दे विच आशू दी हट्टी दा खुला चैलेंज जिथों तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।